हाथ से इधर भी हिला, गलत बात, मैं वोट नहीं दूंगा, हाथ मेरी तरफ नहीं हिलाया, ये नहीं नहीं इधर नहीं देगा, मैं नहीं दूंगा वोट। अली भाई बोल लो, गठबंधन को ही देखे हम, मैं नहीं हूँ। इन दो देशों की सूची में मोदी जी ने अपने महान भारत का नाम तीसरा छोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के और मित्रों विपक्ष सारे राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी की पूरी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने, अभी राम गोपाल वर्मा जी ने स्टेटमेंट कर दिया कि एक षड्यंत्र है, और अभी शाम पित्रोड़ा ने स्टेटमेंट कर दिया इनसे बातचीत करनी चाहिए, बम नहीं गिराने चाहिए। क्यों भैया, चचेरे भाई होते हैं आपके? मुझे बताओ मित्रों, जो हमारी सरहदों पर गोली चलाते इसका जवाब गोले से देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मेरा जोर से बोले, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष को, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने ओडिशा के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करकर एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए, आप किसकी मदद करना चाहते हैं? आपके स्टेटमेंट होते ऐसे होते हैं कि पाकिस्तान की संसद के अंदर खुशी की लहर दौड़ता, अब किसके साथ वोट बैंक की राजनीति जरूर करो राहुल बाबा, मगर जब शहीदों का सवाल हो और देश की सुरक्षा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का, मुझे बताओ आगरा वालों, आने वालों दिनों में जो चुनाव होने वाला है आपके यहाँ, इसमें मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज आप लोग संकल्प करके जाएंगे क्या? जरा जोर से बोलिए, कर जाएंगे क्या? कमलपुर पर थप्पा लगाएंगे क्या? भाजपा को जिताएंगे क्या? हमारे दोनों आगे आओ भाई दोस्तों, हमारे दोनों प्रत्याशियों को बड़े बहुमत से जिताएंगे क्या? फिर एक बार मोदी सरकार बनाएंगे क्या? पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाएंगे क्या? देश की सीमाओं को सुरक्षित करेंगे, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे, आतंकवाद का खात्मा करेंगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम।